मंदिर में मेरी रुचि राखी, पहले तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मंदिर में मेरी रुचि राखी, तब लखी न काहू ने वह झांकी, तुम बिन या बिनीत मीरा की साखी कौन भरे गोपी, तुम बिन या बिनीत मीरा की साखी कौन भरे गो, तुम बिन बिनीत या मीरा की साखी कौन भरे गोपीर, तू ही अगी नाही हरे गोपीर, तू ही अगी नाही हरे। कहते कहते मीरा हो गई मूर्छित, पर्दा लगा है, मीरा मूर्छित हुई और उसी समय हिले राज महल डुले खंब श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सब ही के द्वारे है, कांप गए पंडित दंभ भाजी हृदय को त्याग, बाजे एक साथ घंटी शंख और नगाड़े हैं, दर्शन विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं, एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, उन चार भुजा मीरा के प्रेम में पसारे हैं, उन चार भुजा मीरा के प्रेम में पसारे हैं, दो भुज में पैसे भर्यो लीन्यो पात उठाए, दो हाथ से तो ठाकुर दूध पी रहे हैं और दो भुज से नंदलाल जू मीर ही रहे जगा, फटी रह गई और दो हाथों से उठाकर दूध का गिलास खाली करा, पटक दिया और मीरा को उठाया, जो होश मीरा को आया तो छाती लगाकर मीरा के आंसू पहुंचे, गिलास दिखाया, पटक करके फिर मूर्ति विग्रह में समाहित ठाकुर हो गए। राम दूधा पंडित, पंडित तो भागे वहां से, ऐसी स्थिति देखी कि जो कानों ने कभी सुना नहीं, आंखों ने कभी देखा नहीं, आज वो देखने को मिल रहा है। और रामदूदा तो मीरा को गोद में बैठा कर आंखों से आंसू बहा रहा है, बेटी मीरा मेरी गलती को क्षमा करना, मैंने बहुत बड़े बड़े जोगी देखे हैं लेकिन मेरी बेटी मीरा, देखे जग के भोगी जोगी ज्ञानी तपसी त्यागी, आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़ भागी, कृष्ण भक्ति का भाव लिए उर आई मीरा बाई, जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजी सफल बनाई, जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजी सफल बनाई। कौन कहता है कि ठाकुर भोग नहीं लगाते, कमी तो हम में है, कमी ठाकुर में नहीं है, हम भोग भी लगाते हैं तो औपचारिकता के लिए, अगर ये लगन दृढ़ हो जाए कि चौका किसका, बोले हमारे ठाकुर जी का, बनेगा किसके लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए, बच्चे क्या पाएंगे, ठाकुर जी की भोग लगी हुई प्रसादी, यदि ये भावना हो जाए तो ठाकुर क्यों नहीं आएगा। महाराज मैं आपको बताऊं, मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ठाकुर साक्षात विराजता है सब, ये सत्य सत्य घटना बता रहा हूं। बनारस में ठाकुर जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, नास्तिकों ने एक प्रश्न किया कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति में प्राण आते हैं या तुम्हारे ढोंगी पाखंडियों के मंत्र है केवल, ये प्रश्न किया। पंडितों ने कहा विश्वास पूर्वक
अगर शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा की विधि लिखी है और यदि पंडित विधि का पालन विधि पूर्वक करते हैं तो ठाकुर की मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण आते हैं, बोले प्रमाण, बोले हम देंगे आपको। करपात्री जी महाराज उस समय शरीर था और महाराज पंडितों ने विधि विधान पूर्वक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किए, प्रमाणित, बोले एक जमा हुआ मक्खन और ठाकुर के मस्तक पर रखा, यहां की तपन से मक्खन पिघल करके ठाकुर जी के शरीर पर गिरा, एक प्राण आ गए, इसका प्रमाण। दूसरा प्रमाण, ठाकुर जी के नाक के पास एक रूई की बत्ती लगाई, पट बंद है चारों तरफ से, खिड़कियां बंद हैं, हवा प्रवेश नहीं कर सकती, और ठाकुर जी के नाक के नीचे रूई की बत्ती जो लगाई तो ठाकुर की श्वास से रूई की बत्ती हिलने लग रही थी। ये है मंदिरों का प्रमाण, ये है ठाकुर जी के प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों का प्रमाण। आप ये ना समझें, करने वाला सही हो और कराने वाला सही हो तो मूर्ति भी प्राण प्रतिष्ठित होती है। करने और कराने वाले दोनों की विधि की बात कही है, शास्त्र में लिखा है तऊ सम्यक विधि करणात् फलम लभेते, तऊ सम्यक, यजमान भी और पंडित भी यदि दोनों ही भली प्रकार से विधि का पालन करें तो मूर्ति में भी प्राण बोलते हैं। एक प्रसंग तो आप सबने सुना होगा, हम इसमें भी अगर तर्क बुद्धि लगाएंगे कि ये तो केवल वीडियो बनाई हुई है तो हम नहीं मानते, इसलिए नहीं मान रहे, भले ही वो वीडियो बनाई हुई होगी लेकिन उस तरह की घटना घटाना ठाकुर जी के लिए संभव है। कैसी घटना, एक बूढ़ी माई वृंदावन से लड्डू गोपाल जी को लेकर आई, बुढ़ापे में अब एक ही, वैसे तो बेटा भी थे बहू भी थी लेकिन बुढ़ापे में माई को तो एक बार ऐसा लड्डू गोपाल वृंदावन भागया के लेकर आए, उसकी बड़ी सेवा करे, चाव से उसे अपना बेटा बना लिया और इतनी सेवा करी, स्नान करावे, नहलावे, वस्त्र पहनावे, भोग लगावे, दिन रात उसी में लगी रहती, रात को सुलाकर फिर सोने जाती थी। एक दिन जन्माष्टमी का पर्व आ गया, माई को चढ़ गया बुखार, सेवा कौन करे, बच्चों ने कहा माता जी हम कर लेंगे, बहू भी है सामने कर लेंगी, आप तो आराम करो बुखार आ गया है। माई ने कहा नहीं नहीं तुम लोग सेवा नहीं कर पाओगे, मैं उठूंगी। अरे अरे माता जी आप तो सो, माता जी को लिटाया, बच्चे सेवा करने, माता का तो भाव रहता था, बच्चों का कोई भाव नहीं था सेवा में, बहुओं का तो बिल्कुल भी नहीं था। सेवा करने के लिए ठाकुर को उठाया, हे भगवान कितने भारी हैं, ऐसा कहा और हाथ से ठाकुर गिर गए। जो ठाकुर नीचे गिरे बुढ़िया जाग गई, बुखार में दौड़ी दौड़ी आई, ठाकुर को गिरा हुआ देखा, अरे मेरा लल्ला गिर गया, और उसको उठाया, अब रोवे, अरे माई माताजी गलती हो गई, अब उठा रहे हैं ना, अरे अरे ऊपर से नीचे गिर गया, इसको चोट लग गई होगी, डॉक्टर को बुला करके लेकर के आओ कोई, मेरे लल्ला को चोट लग गई होगी। बहुएं पति की ओर देखें, ये देखो माताजी पागल हो गई हैं, अरे मूर्ति गिर गई, चोट लग गई, डॉक्टर को बुलाकर, अरे कोई जाता क्यों नहीं, अरे माताजी कुछ नहीं हुआ, अरे तुम्हें कैसे पता, मेरा लल्ला नीचे गिरा है, तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर को बुला के लाओ। बच्चे ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या बात हो गई, बोले माताजी को न जाने क्या हो गया है, लड्डू गोपाल जी गिर गए, कहती डॉक्टर को बुला के लाओ। देख बुढ़ापे में ऐसी स्थिति होती है, एक काम करो डॉक्टर को बुला के ले आओ, डॉक्टर कह देगा सही है, फिर माताजी आराम से निश्चिंत हो जाएंगी, कर लो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब एक बार घर चलें, बोले क्या हो गया, अब कैसे कहें कि पेशेंट को देखना है, डॉक्टर साहब वो हमारे घर में माताजी रहती हैं, माताजी की तबीयत खराब है, नहीं नहीं वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते, वो गिर गए थे तो उनको एक बार देखना है, क्या समझ रखा है आपने मेरे को, डॉक्टर हूं मैं मूर्ति को देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप भी किसी मां के बेटे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, एक बार चल पड़िए,
और कह दीजिए माँ का उसमें बहुत भाव है मूर्ति में, एक बार कह दो कि हाँ सही है, तो माता जी ठीक रहेंगी। डॉक्टर को रुपया 500 रुपया दिया, डॉक्टर कह चलो जाकर देखा। अरे माता जी तेरा लल्ला एकदम ठीक है। माता जी बोलती है तू डॉक्टर है? तो कहा हाँ मैं डॉक्टर हूं। अरे तो न नब्ज देखी न कुछ देखा, कह दिया लल्ला ठीक है। डॉक्टर समझ, डॉक्टर कहता है देखो एकदम ठीक है। अरे डॉक्टर तू, तेरे पास वो कान में लगाने की मशीन नहीं है, उससे चेक कर एक बार अच्छी तरह, लल्ला ऊपर से नीचे गिरा है, तुझे क्या पता। डॉक्टर को अपनी गलती का कुछ एहसास सा हुआ कि पूरी तरह चेक नहीं हुआ। डॉक्टर ने वो यंत्र निकाला, कान पे लगाया और कान पे लगा करके लल्ला को उठा करके और बाकी छाती पर तो यंत्र लगा, डॉक्टर के अंदर के यंत्र झंझर आ गए। फिर लगावे क्या हुआ, डॉक्टर की आंखों से आंसू बह गए। डॉक्टर ने कहा अरे माई तेरा लल्ला बीमार नहीं है, बीमार तो हम सब लोग हैं, आज मेरी बीमारी दूर हो गई है, तेरा लल्ला तो एकदम स्वस्थ है, तू इसको गोद में ले इसकी सेवा कर, ये बहुत स्वस्थ है, बीमार तो हम लोग थे। आंखें भर आई है डॉक्टर की। बच्चे ने कहा डॉक्टर साहब फीस? बोले भैया ये भी लो, आज मेरी बीमारी ठीक हो गई। क्या सुना? बोले जो डॉक्टर ने कभी साइंस में नहीं पढ़ा था, आज वो अनुभव किया कि एक मूर्ति के भीतर भी दिल धड़क रहा है, दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, तो आज डॉक्टर की भी आंखों से आंसुओं की धार बह गई। आप ये ना समझो मूर्ति में भी प्राण होते हैं। सूर घनेरे फिरे कण मांगत पैपद सूर स्वाद कहां है, करताल मजीरी बजावती है मीरा मतवारी सी चाल कहां है, सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहां है, नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पर काड़वे को प्रहलाद कहां है, प्रकट करने वाला प्रहलाद कहां है। आज हमारी भक्ति वैसी है ही नहीं। भगवान को पाना हो तो जीवन कैसा होना चाहिए? बोले जैसे पानी में कोई व्यक्ति को डुबा दिया जाए और बचने की जैसी तड़प उसके अंदर होती है, यदि वही तड़प भगवान को पाने के लिए हो जाए तो भगवान अभी प्रकट हो जाएगा, इसी क्षण प्रकट हो जाएगा। न वो तड़पन होती है न वो छटपटाहट होती है। और उसके बाद माखन चोरी लीला का आनंद भी भगवान ने सबको दिया है। ये साधारण चोर नहीं है, साधारण चोरी करने वाला साधारण चोर होगा तो सजा होगी, लेकिन ठाकुर जैसा चोर अगर माखन चुराएगा तो जय जयकार होगी। बोलिए माखन चोर भगवान की। भगवान तो चोरी भी करते हैं तो उनकी जय जयकार हो जाती है। और उसके बाद में भगवान बड़े हुए, 5 वर्ष के, माता यशोदा दधि मंथन करती हैं। दधि मंथन करते समय 3 काम कर रही हैं। कौन से 3 काम हैं? एक तो हाथों से सेवा कर रही हैं, वाणी से नाम ले रही हैं और हृदय से चिंतन कर रही हैं। इस पर ध्यान देना, हम जीवन में कोई भी काम करते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। बोले क्यों? बोले काम इतना है कि फुर्सत नहीं है भगवान को याद करने की। हम कहते हैं यशोदा मैया भी काम कर रही है, लेकिन वो काम में भी हृदय में भगवत स्मरण है, हाथ में सेवा है कि जो माखन बना रही हूं ये मेरा कन्हैया पाएगा, और वाणी पर नाम है। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे कन्हैया को माखन, कृष्ण को मेरा कन्हैया माखन खाएगा। हरे वो गोपी तो बेकार की बात करती है, कन्हैया के लिए कुछ ना कुछ कहती रहती है। मेरा कन्हैया इतना सीधा है,
बुढ़ापे में पाया है। वाणी पर नाम है, हृदय में चिंतन है और हाथ में सेवा, इसको ठाकुर पाएगा। पर हम सेवा करते हैं तो कैसे करते हैं? मेरा बेटा पाएगा, गाजर का हलवा बनाया मेरी बेटी पाएगी, लेकिन यशोदा कन्हैया पाएगा, भगवान पाएगा। वाणी पर नाम, हृदय में स्मरण और हाथ में सेवा। यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च तदि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। ये भगवान है। और उसके पश्चात भगवान उठ करके आते हैं मैया के पास, और मैया के पास आकर के मैया से कहते हैं, मैया दूध पीनो है। मैया चौका से निकल करके बाहर आती है, लाला को दूध पिलाती है। भगवान दुग्ध पान करते हुए, छाती का दूध पीते हुए ये पूछते हैं कि मैया तू मोते प्रेम करे कि गैया के दूध थे। मैया बोले, लाला तोते प्रेम करूं, गैया को दूध भी तेरे लिए ही तो है, और है कौन के लिए? अगर हम संसार की कमाई हुई, संसार से कमाई हुई सारी संपत्ति भी ये कहें, ये संपत्ति भी तो ठाकुर के लिए ही है, अपराध क्या है? लेकिन हम तो कहते हैं ये संपत्ति इस बेटे की है, वो ये संपत्ति इस बेटी की है, ये बेटी को जाएगी, ये बेटे को जाएगी, ठाकुर के लिए क्या संपत्ति निकाली तुमने? देखो हम लोगों की ये बात भी कैसी है, बेईमानी वाली बात है। कौन सी बेईमानी वाली बात? एक जगह किसी ने कथा में सुना कि जो कुछ भी कमाओ उसका 10% भगवान को निकालना चाहिए, अच्छे काम। कल हमने पढ़ा कि हिंदू मंदिरों की हांडी में रुपया मत डालना, हिंदू मंदिर की हांडियों में रुपया मत डालना। क्यों नहीं डालना? बोले ये रुपया जो है इसका मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है। हांडी तो अपने घर में रखो और किसी आवश्यक, जिसको आवश्यकता है उसकी सेवा करो। हमें इसमें आपत्ति नहीं है कि हांडी घर में रखो और जिसको आवश्यकता है उस हांडी में रखे धन से उसकी सेवा करो, लेकिन हम इस पक्ष में नहीं है कि मंदिर जाओ और ठाकुर की हांडी में रुपया मत चढ़ाओ। अगले व्यक्ति ने तर्क दिया, ये सारा रुपया चर्च में जाता है, हाँ चर्च में जाता है, ऐसा तर्क दिया। हम तो इस बात से, हमने कहा कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है, पूर्ण रूपेण ये बात सही नहीं मान सकते। क्यों भैया? हम जिस धाम वृंदावन में रहते हैं, उस वृंदावन में इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर हैं जितने मंदिर आपको सामान्यतः किसी नगर में नहीं मिलेंगे। कितने मंदिर हैं? 5,500 से ज्यादा मंदिर हैं वृंदावन में, 5,500 से ज्यादा। तो हम तो नहीं समझते कि वृंदावन के मंदिरों में चढ़ा हुआ चर्च में जा रहा है रुपया, बल्कि आपकी जो श्रद्धा हो मंदिर की हानि में चढ़ाओ। लोग सेवा करते हैं, हमारे यहां बंगले बनते हैं बिहारी जी के, खूब सुंदर सुंदर बंगले, लाखों के बंगले बन जाते हैं, भगवान की सुंदर पोशाक पहनाई जाती है, चांदी की छड़ी आती है, कितनी सेवा होती है। तो कहा महाराज ये किसके काम आता है? आता है तो सब पुजारियों के काम आता है, तो तुम्हारा पुजारियों से कोई बैर है क्या? अगर पुजारियों के काम आ रहा है तो तुम्हारा बैर है क्या पुजारियों से? पुजारी भूखा मर जाए, पुजारी भूखा मरे? अरे ठाकुर को तुमने चढ़ाया तो ठाकुर के चढ़ाए हुए धन पर ठाकुर के सेवक का भी अधिकार होता है। और आज यही जो हिंदुओं के अंदर भावना आ गई है कि मंदिर में भी हांडी में रुपया मत चढ़ाओ, इस भावना के कारण चलते क्या हो रहा है जानते हो? हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहा है। हिंदू होकर के हिंदुत्व की काट कर रहे हो, कर क्या रहे हो?
हम तो कहते हैं आप पर एक है तो एक चढ़ाओ, सौ है तो सौ चढ़ाओ, जितनी श्रद्धा है वो चढ़ाओ। आपकी श्रद्धा के ऊपर आपका हाथ पकड़ के कोई नहीं बोल रहा कि आपको इतना चढ़ाना है। आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना चढ़ाइए, लेकिन ठाकुर के मंदिर में जाकर के कुछ मत चढ़ाओ, तो ये आप भगवान का अपराध नहीं करोगे, ये आप भगवान के भक्तों का अपराध कर दोगे। और आज यही कारण है कि आपको ब्राह्मण नहीं मिलेंगे योग्य। मैं आज आपको बता रहा हूं, आज आपके पुरोहित के बच्चे क्या पुरोहिती कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें दोष उन पुरोहितों का नहीं है, उन पुरोहितों के यजमान का भी दोष है। उन पुरोहितों का जीवन तो यजमान के भरोसे चलता था, यजमान ने भी हाथ खींच लिए, उसका पालन होता था यजमान के द्वारा। अब यजमान पहले एक घर में चार लोग रहते थे, पांच लोग रहते थे, मुखिया उनके बच्चे परिवार रहते थे, चालीस लोग रहते थे, एक ही पुरोहित होता था। फिर धीरे धीरे महाराज न्यूक्लियर फैमिली हुई, हम दो हमारे दो, हम महाराज उनके पुरोहित को नहीं, क्योंकि वो अपने इनको ज्यादा प्यार करते हैं, अपने अपने पुरोहित अलग अलग बनाने लग गए। धीरे धीरे करते करते महाराज वो एक परिवार उन पुरोहित का परिवार का पालन करने में सक्षम ना हुआ। और फिर पुरोहित में पुरोहित का बच्चा पैदा हुआ, तो कहा बाबा मैं भी पुरोहित ही करूंगा। बोले बेटा तू पुरोहित मन मन क्यों? बोले आज यजमान नहीं मिलेंगे घर चलाने वाले, तू तो इंजीनियर बन जा, तू तो डॉक्टर बन जा। अगर ब्राह्मण का पालन यजमान नहीं करेगा, पुरोहित का पालन उसका यजमान नहीं करेगा, तो करेगा कौन? इसलिए ये अपराध जीवन में ना बन जावे। आप यही समझ लो कि मंदिर में चढ़ाया हुआ रुपया मंदिर में सेवा करने वालों को प्राप्त हो रहा है, तो अपराध क्या है इसमें? आपकी जितनी श्रद्धा। तो एक जगह लिखा था कि दसवां अंश निकाल के दान करना चाहिए, तो एक आदमी ने तुरंत अमल किया, उसमें से 10% निकाल कर दान कर दिया। उसका बड़ा भाई था, उसने 50% निकाल दिया। क्यों? अरे छोटा 10 निकालेगा तो मैं तो बड़ा हूं, उससे 50 निकाला। और तीसरे नंबर का बड़ा जो था सबसे बड़ा, उसने कहा छोटे ने 10 निकाला, उससे बड़े ने 50 निकाला, हैं तो दोनों मुझसे छोटे, अगर मैं भी 50 निकालूंगा तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। उसने एक पोटली रखी, पोटली में महाराज पूरा रुपया रखा, पोटली बांधी, बांधकर ऊपर फेंकी और कहा ठाकुर जितना लेना है ले लेना, बाकी बचे तो मुझे दे देना। अभी दान सेवा है, बाकी तो सब तेरे पास ही तो आएगा, उधर क्या जाएगा? ये दान करने का तरीका नहीं। यशोदा कहती है लाला दूध भी तेरे लिए, गैया भी तेरे लिए, सब तेरे लिए ही तो है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, अरे सब कुछ तेरा, तू है मेरा, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। अरे तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा है और तू मेरा है। यशोदा मैया दूध पिला रही है, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए सुनकर। जब भगवान से कोई ये कहे ना आप मेरे हो, और हृदय से कहो तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब वही संसार की ओर भागता है तो भगवान को कष्ट बहुत होता है। कि अभी थोड़ी देर पहले कह रही कि तू मेरा है, सब कुछ तेरे लिए है, और अब गैया का दूध बचाने अंगीठी से उतारने चली गई, पद्मगंधा गैया का दूध। विचार यशोदा मैया ने किया कि लाला तो बाद में भी दूध पी लेगा, लेकिन अगर वो अंगीठी से दूध फैल गया तो फिर कहां से मिलेगा ये दूध? दूध उतारने गई, भगवान को थोड़ा कोप आ गया। भगवान ने महाराज एक नीचे की हांडी पर लात मारी, सारी हांडी फूट गई। मैया आई निकल करके, भगवान को भी क्रोध आता है, आ गया क्रोध, नीचे की हांडी में लात मारने से सारी हांडी फूटती है। तो भगवान को देखकर मैया दौड़कर आती है और जो हांडी फूटे हुए देखती है गुस्से में आकर कहती है अरे बजमारे ये तेने कहा कियो, मेरी ददिया सास के जमाने के घड़ा तेने फोड़ दिए, आज कन्हैया तो नाना बना के मानूंगी। मैया छड़ी लेकर के दौड़ती है, भगवान आगे आगे और मैया पीछे पीछे। जिसके भय से काल भी भय खाता है, आज मैया के भय से कांप रहे हैं। हां महाराज, जिसकी वक्र भ्रकुटि के भय से सागर सप्त उबलते देखा, तिनको ही
मैया के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज क्या हालत हो गई, मैया कहती है लाला मेरे पास आ जा। बोले मैया पहले छड़ी फेंक तब तेरे पास आऊंगा। हाँ भगवान रोते हैं, दृग भ्याम रुदन हुम 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 हीति, हिचकियों से भगवान रोते हैं, छड़ी को देखकर घबराते हैं। छड़ी फेंक दे मैं आ जाऊंगा का भाव क्या है, छड़ी है जड़ मैं हूं चेतन, ये संसार है जड़ मैं हूं चेतन परमात्मा, तू जड़ संसार को भी पकड़े रहना चाहती है और मुझ चेतन परमात्मा को भी पकड़ना चाहती है, तू संसार को भी नहीं छोड़ना चाहती और मुझको भी पकड़ना चाहती है, ये कैसे संभव है, दो नाव में पांव रखकर चलोगे तो डूबना ही पड़ेगा। यावत जड़ युक्तो तावत न चेतनागमः, जब तक जड़ है तब तक चेतन नहीं आएगा, और जब चेतन है तो वहां जड़ता नहीं दिखाई देगी। मैया ने देखा लाला भयभीत हो गया तो छड़ी तो फेंकी, भगवान दौड़ करके आए, मैया की कमर में हाथ दिया, मेरी मैया, भगवान के कान पकड़े मैया ने, लाला आज पकड़ में आया अब चल, मारूंगी नहीं दंड अवश्य दूंगी। और मैया ने लाला को ऊखल बांधा, जब जब ऊखल बांधती है दो उंगल कम पड़ते हैं, ये दो उंगल कुछ और नहीं, एक अंगुल जीव का पुरुषार्थ है और दूसरे अंगुल भगवत कृपा है। हम भगवान का भगवान की कृपा को पाना चाहते हैं तो पहले कर और फिर पा, इसका नाम है कृपा, बिना किए नहीं मिलेगी, अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। महाराज मैया ने बांधने की चेष्टा करी, दो उंगल कम पड़ते हैं, अंत में जाकर भगवान बंध गए। भगवान अपने आप बंधना चाहे तो बंध सकते हैं, नहीं बंधना चाहे तो ब्रह्मा नहीं बांध सकता उनको। कृपया शीश बंधने, अपने आप ही बंधन में आ गए, नहीं तो भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, परतंत्र हम परतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, याद रखना। भगवान बंद करके इस लीला का नाम है दामोदर लीला, भगवान का नाम हुआ दामोदर, क्यों, दाम माने रस्सी, उदर माने कम पेट, भगवान के पेट पर रस्सी बंधने के कारण भगवान का नाम दामोदर हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जरा बोले दामोदर भगवान की। वो दामोदर लीला में भगवान ने नल कुंवर मणिग्रीव, जो कुबेर धनपति के पुत्र हैं, इनको नारद जी का शाप लगा था गंगा में नग्न स्नान करने के कारण, वृक्ष बनने का पेड़ बनने का शाप लगा था, तो वृक्ष बने, नारद जी ने कृपा करी थी इनके माफी मांगने पर कि भगवान कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, घुटने घुटने चलते चले गए, ऊखल बंधा हुआ है, और दोनों वृक्षों के बीच में से होकर के निकले, तो भगवान तो निकल गए लेकिन ऊखल अड़ गया, और ऊखल अड़ा तो भगवान ने एक झटका दिया, ऊखल नीचे आ, पेड़ नीचे आकर के गिरे दोनों, उसमें से दो दिव्य महापुरुष बाहर निकले हैं, कुबेर के बच्चे, इन्होंने महाराज भगवान की स्तुति करी है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनूना। वाणी वही धन्य है जो आपका नाम ले रही है, नहीं तो जीव तो बहुतों को दी है, मेढक को जीव नहीं दी, मेढक मेढक क्या करता है, टर 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 टर, मेढक को भी जीव दी है, वो टर टर करने में रह जाता है, घोड़ा हिलहिलाने में रह जाता है, हाथी चिन्हाड़ने में रह जाता है, सिंह दहाड़ने में रह जाता है, लेकिन मानव शरीर हमको मिला है, यदि भगवान नाम वाणी पर नहीं आया तो संसार की ये जीव जो है ये मेढक की जीव के समान है, टर टर करके संसार की व्यथा ही गान कर रही है। महाराज एक बहुत बढ़िया दोहा है, हमें स्मरण नहीं है लेकिन भाव उत्पन्न हो रहा है, एक बहुत अच्छे विद्वान
पोथी समेट करके घर लौट रहे थे। कहा, उदास क्यों हो गए महाराज जी? आपकी कथा हम सुनते हैं, बड़ी सुंदर आपकी कथा है, आपकी कथा अब कब सुनने को मिलेगी? बोले, महाराज पता नहीं अब सुनने को मिलेगी नहीं मिलेगी। बोले, क्यों? आपकी कथा तो आपका कंठ कोयल जैसा। बोले, बात ऐसी है, कोयल के कंठ को, कोयल के सुर को सुनने वाला कोई नहीं रहा। अब तो बरसात आ गई है, बरसात आ गई है, तो बरसात में तो अब दादूर ही कहेंगे, अब तो दादूर ही टर टर करेंगे। हाँ, ये दोहा है, किसी को याद है कैसे है? पावस, हाँ किसी को याद? और माइक पर गा दो, गा दो एक बार, माइक दो इनको। हाँ, एक माइक दो भाई, अब हमें तो याद नहीं, हमारे श्रोताओं को अगर याद है इससे बढ़िया चीज और क्या होगी। पावस देखी रहीम मन, कोयल सादी मौन, अब दादूर बक्ता भये, हमको पूछे ही कौन, हमको पूछे ही कौन। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अब हमको पूछने वाला कौन है? अब तो आजकल जो चल रहा है वो कथा तो कम और व्यथा ज्यादा हो गई, तो कथा को सुनने वाला अब कौन है? गिने चुने लोग रह जाएंगे। कलिकाल में लोगों को मसालेदार बातें अच्छी लगेंगी, प्रशंसा की बातें अच्छी लगेंगी, भगवान की कथा लोगों को रुचिकर नहीं लग रही है। रुचिकर कथा तो है, कथा तो रुचिकर है, लेकिन लग नहीं रही अच्छी। जिनको अच्छी नहीं लगती, बोले किनको अच्छी नहीं लगती? आहा, तिन कहा प्रिय न कथा रघुवर की। किनको? जिनकी मति में कुतर्क है, जिनकी मति कुतर्क की। देखो, अब हमको चौपाई जितनी याद रही है उतनी कह रहे हैं, अर्थ भाव वही है। जिनकी मति कुतर्क की, तिन कहूं प्रिय न कथा रघुवर की। उनको भगवान की कथा प्रिय नहीं लगती। किनको? जिनकी बुद्धि में केवल कुतर्क होता है, लॉजिक, कुतर्क, इलॉजिक सारी बातें। भगवान को लॉजिक पर तोला नहीं जा सकता, हाँ नहीं तोला जा सकता। एक ने कहा है, इट इज लॉजिक दैट वी कांट प्रूव ऑल माइटी, बट इट डज नॉट मीन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी। तर्कशास्त्र की कमजोरी है कि सर्वशक्तिमान सत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका अस्तित्व तो कुछ नहीं है। पत्थर में आग है कि नहीं है? तो छूने पर क्यों नहीं लगती? अरे तो भैया एक बात बताओ, अगर इस पांडाल में हर्षिता बैठी है और कोई बाहर पूछे हर्षिता है, और भीतर से कह दिया जाए कह दो नहीं है, तो वो व्यक्ति बाहर बैठा है उसको कब पता लगेगा कि हर्षिता भीतर रही है? जैसे यहां से पंडाल से बाहर निकल के जाओगे तो वो कह देगा आप तो भीतर ही थी। भाव क्या है? आप भीतर से बाहर निकलोगे तो बाहर खड़ा व्यक्ति कह देगा कि आप भीतर थे। पत्थर में से अग्नि अगर प्रकट होगी तो यह सिद्ध है कि इस पत्थर में अग्नि है, लेकिन अग्नि होने पर भी दिखाई देती है नहीं देती? वो कैसे प्रकट होती है? बोले, जब रगड़ करोगे तो। ऐसे ही भगवान तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन जब भक्ति की, श्रद्धा और विश्वास की रगड़ उसमें करी जाएगी भक्ति के द्वारा, तब जाकर के भगवान रूपी अग्नि भी भीतर से प्रकट होकर के आ जाएगी। अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रकट चंदन ते हो। नारायण, यही जीवन की सूत्र है जीवन का। कान वही धन्य है जो भगवान आपकी कथा को सुनते हैं, हाथ वही धन्य है जो आपकी सेवा में समर्पित हैं, मन वही धन्य है जो आपके चरणों का चिंतन कर रहा है, मस्तक वही धन्य है जो आपके चरणों में प्रणाम करता है, नेत्र वही धन्य है जो आपका दर्शन करते हैं। हर इंद्रिय की सफलता बताई भगवान ने, इन पर कृपा करी। ये गए, उसके बाद में
अब महाराज यहां से वृंदावन जाने की तैयारी हुई। नंद बाबा ने सभा करी कि गोकुल अब सुरक्षित स्थान नहीं रहा, अब वृंदावन चलना चाहिए। उपनंद नाम करके गोप ने कहा कि वृंदावन सुरक्षित है, यहां तो बहुत राक्षस आ रखे हैं, तो चलो वृंदावन सब मिलकर के वृंदावन चलते हैं। वृंदावन की महिमा क्या है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासी उत्तमा प्रीति ही राम माधवयोः। यहां पर गोवर्धन है, यमुना नदी है, सुंदर सुंदर ब्रज की रज में भगवान के चरणों के चिन्ह बनेंगे। ये वृंदावन धाम की महिमा क्या है? आओ हम सब लोग वृंदावन धाम की महिमा में प्रवेश करते हैं। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे राधे राधे।
पटियो बिहारी Yeah.
सोनी मगन होए रहे नर नारे रटे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये कोई तीर्थ या धाम नहीं बल्कि भगवान का अपना निज घर है। वृंदावन में जो रह रहे हैं वो भगवान के घर में ही रह रहे हैं। वृंदावन की महिमा है कि प्रयागराज तीर्थ को जब तीर्थराज बना दिया तो नारद जी ने कहा कि सारे तीर्थों को प्रणाम करने आते हैं लेकिन वृंदावन नहीं आता, प्रयाग भगवान के पास आता है कि आपने मुझे नकली राजा बनाया। सारे तीर्थ प्रणाम करने आते हैं लेकिन वृंदावन नहीं आता। भगवान ने कहा सुनो माय डियर प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर आंगन का राजा नहीं बना दिया। वृंदावन मेरा निज घर है, वहां के राजा तुम कहां से, वहां का तो मैं ही राजा हूं। वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी, वेद पुराण बखान करे, संत मुनि नहीं जाय बखानी, यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। बोलिए राधा रानी अलवेली सरकार की जय। एक बार अयोध्या, दुई बार द्वारका जाए, तीन बार
बिहार जाएंगे, त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। पर होते हैं प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्याम श्यामा के, ऐसो वृंदावन सो आनंद तीनों लोग नहीं पाओगे, ऐसो वृंदावन सो आनंद तीनों लोग नहीं पाओगे। यमुना पय पाननी को, रेणुका को खाननी को, स्वादनी को कंद को, राधा कुंडनी को, संतन को संगनी को, गौर श्याम रंगनी को, अंग युग चंद्र को, नील पीत पटनी को, बंसीवटनी को, ललित किशोरी तटनी को, नटनी को नंद को, नटनी को नंद को, नटनी को नंद को। बोली पावन वृंदावन धाम की जय। वृंदावन में आए हुए वहां पर अघासुर बकासुर, इनको भगवान ने जय जय श्री सीताराम किया। इनका ये असुर आए हैं, ब्रह्मा को मोह हुआ, भगवान ठाकुर ने ब्रह्मा का मोह भी भंग किया है। मोह ब्रह्मा को हो गया, ब्रह्मा तो पुत्र है, ब्रह्मा तो पुत्र है, अपने बाप को देखकर पहचान नहीं पाया, मोह हो गया। कारण क्या है? सुखदेव जी तो कहते हैं ब्रह्मा तो पुत्र है, ब्रह्मा को मोह हो जाए ये भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान की महिमा ही कुछ ऐसी है, ईशोपियस्य महिमा, जिसको स्वयं भगवान नहीं जानते कि मेरी महिमा क्या है, तो और क्या जानेंगे। दूसरी बात, ब्रह्मा मोहित तो हो गए, भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान को पहचान नहीं पाए। जो ज्यादा निकट रहता है ना, वो भगवान भी हो तो उसे कोई पहचान नहीं पाता, अगर वो ना चाहे तो। अपने आप को आवरण में ऐसा ढक करके रखता है कि लगता है साधारण मनुष्य ही है, खाएगा भी तुम्हारी हमारी तरह, बैठेगा उठेगा भी हमारी तुम्हारी तरह, लगेगा ये तो साधारण मनुष्य है। ब्रह्मा जी देख करके मोहित हो गए, अरे भैया ब्रह्मा जी की कौन कहे, भगवान श्री कृष्ण के अपने बच्चे यदुवंशी वो भगवान को नहीं पहचानते। सुखदेव जी ने तो गाली दी है, फटकारा है यदुवंशी बच्चों को, धिक्कार है इन बच्चों को जो ब्रह्म के पुत्र होकर के, श्री कृष्ण के पुत्र होकर के अपने पिता को केवल साधारण पिता मानकर बैठे हैं, वो अपने बाप को ये नहीं जानते कि ईश्वर का भी ईश्वर है। ये कैसे नहीं जानते? एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं। एक दो व्यक्ति समुद्र के किनारे गए, ध्यान देकर सुनना, दो व्यक्ति समुद्र के किनारे गए तो बातें कर रहे हैं,
अरे मित्र, मेरे को समुद्र बहुत पसंद है। कभी अवसर मिला ना तो समुद्र के बीचों बीच अपना बंगला बनाऊंगा। यहां पर जल महल में है, तो कभी ऐसा हुआ ना समुद्र के बीचों बीच अपना बंगला बनवाऊंगा। एक बात है, धरती पर समुद्र से बढ़िया कोई जगह नहीं, और वाकई लोग पसंद करते हैं। कई लोग होटल भी लेते हैं तो सी फेसिंग रूम्स ट्राई करते हैं कि समुद्र की ओर देखने वाला। तो कहा समुद्र बढ़िया, क्या लहरें आती है समुद्र। दो मछलियां सुन रही थी, तैरती तैरती गई। जाकर अपनी महारानी मछली के पास, महारानी महारानी क्या बात है, महारानी आपने समुद्र देखा है कभी? क्यों, ये क्या होता है? अरे महारानी, दो मनुष्य बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घर बनवाएंगे तो समुद्र पर बनवाएंगे, समुद्र जैसी जगह दूसरी कोई नहीं है। महारानी प्लीज, कभी समुद्र देखने का अवसर मिले तो हमें दिखवाना ना। अब इन मछलियों से कोई पूछे कि तुम रह कहां रही हो, तुम रहे खुद समुद्र में रही हो, लेकिन समुद्र में रहकर के भी तुम समुद्र को नहीं जान पा रही हो। ऐसे ही हम सब भी भगवान के विराट के शरीर में ही रह रहे हैं और भगवान को ही हम नहीं जान पा रहे हैं।